ब्लैक फंगस एक नॉर्मल फंगस है जो रोटी ब्रेड इत्यादि पे लग जाता है, ये नॉर्मल है। अगर हम अपने कपड़े भी उतार के यहाँ एक महीना के लिए छोड़ दें, उसमें नमी रहे, तो वहाँ भी ब्लैक फंगस आ जाएगा। हमारे शरीर पर भी ब्लैक फंगस जम जाते हैं, बट उसको पसीना मार के खत्म कर देता है, कहते हैं यहाँ का जमता है, सोचिए जिस चीज़ को हमारा पसीना मार देता है। लेकिन जब कभी हम लोगों को कोरोना हो जाता है तो इतना ना स्टेरॉइड दिया जाता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके कमजोर कर देता है कि हमारा इम्यून इस छोटे से ब्लैक फंगस यानी म्यूकोर माइकोसिस से भी नहीं लड़ पाता है। अब ये आता कहाँ से है? तो इसके देखिए, जब कोई कोरोना मरीज ज़्यादा सीरियस हो जाता है तो उसको तो हैवी स्टेरॉइड देना मजबूरी है, जिससे कि उसका इम्यून कमज़ोर हो जाता है। और उसे ऑक्सीजन जब दिया जाता है तो ऑक्सीजन पे नमी आती है, देखिए उसमें पानी का बुलबुला रखा जाता है, उस नमी के माध्यम से, या वेंटिलेटर पे जब दिया जाता है तो यहाँ से नमी के माध्यम से ये जो फंगस है ये हमेशा नमी वाले जगह पे रहता है, हमारे शरीर में आता है। इसके एंट्री करने का रास्ता नाक है, इसकी ये नाक से एंट्री करता है। ये ब्लैक फंगस जानलेवा है, जैसे रैबीज बीमारी होती है ना कुत्तों के काटने से, जिनको हो जाएगा उन्हें दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता, वो तो ससुरा 100% खतरनाक है। ये ब्लैक फंगस ये 50% खतरनाक है। लेकिन ये किन्हें होगा? जो कोरोना से सीरियस इंजरी से जूझ रहे थे, जिन्हें हाई स्टेरॉइड दिया गया, वेंटिलेटर या ऑक्सीजन से जूझ है, या जिन्हें पहले से जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, जैसे HIV के मरीज, इनका इम्यून सिस्टम कमजोर रहता है, जिन्हें बहुत हाई ब्लड शुगर रहता है उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो चुका रहता है, शुगर के मरीजों का कमजोर हो जाता है, या जिन्हें डेक्सामेथासोन हुमच के लगाए हैं जब वो कोरोना में था, तो ऐसे लोगों में इसका खतरा ज्यादा होता है। इसको टाइम से रहते इलाज करा लेने से सही होता है। ये एंट्री मारता है नाक के रास्ते से। यहां पर आपकी पहली पहचान कि नाक से पानी आएगा, वो पानी हल्का भूरा रंग का होगा, और नाक को अगर देखेंगे तो हल्का धब्बा धब्बा अंदर बनेगा, तो ये हल्का ब्राउन डिस्चार्ज इसकी पहली पहचान है। उसके बाद ये मुंह में पहुंचता है, तो मुंह से भी खांसी वगैरह आती है, कभी कभी उल्टी होने लगता है, ब्लड आने लगता है उल्टी में। उसके बाद यहाँ पे नाक के पास इस जगह पे ये स्वेलिंग होती है, फिर ये पहुँचता है आँख में, आँख लाल होने लगता है इस तरह से, और जब स्वेलिंग होने लगेगी तो समझिए अब खतरा होने लगा। इसलिए इसका पहला पहचान ब्लैक डिस्चार्ज। अब किसी आजकल मौसम चल रहा है, बहुत से लोगों की आँख लाल हो गई, इवन 10 दिन पहले मेरा भी लाल हो गया, तो ऐसा नहीं कि जिनका आँख लाल हो गया वो दौड़ने लगी, लाल आँख पहली पहचान नहीं है। इसकी पहली पहचान आपको पहले शुरुआत में दो चार एक हफ्ता तक आपको नाक से डिस्चार्ज आएगा, मुंह से उल्टी उल्टी टाइप का मन करेगा, सर और दर्द करेगा, तब ये आँख पे आएगा। उसके बाद जब यहाँ स्वेलिंग होने लगेगी तो समझिए स्वेलिंग होना खतरनाक है। इसके बाद ये म्यूकस आँख के रास्ते अंदर ब्रेन में चला गया, और ब्रेन में चला गया तो कोई नहीं बचा पाएगा। इससे आँख, अगर आँख बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो गया है तो आँख भी निकालनी पड़ती है। लेकिन फिर बताएं, ये सबको नहीं हो सकता है, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है बस उन्हीं को होगा, हाई ब्लड शुगर वाले या फिर कोरोना से जो अभी